हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मजेदार सा साउंड गेम। साउंड गेम तो आपने पहले भी करे होंगे, पर अभी क्या हो रहा है ना, इस बनी को कुछ कुछ आवाजें आ रही हैं। देखा आपने उसके कान कैसे खड़े हुए हैं उसके? तो आपको भी अपने कान खड़े करने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा क्या क्या आवाजें आ रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आवाज कौन सी आ रही है? हाँ, अरे कोई तो मुझे बचाओ। हाँ, मतलब आ की आवाज आ रही है। चलिए गेम खेलते हैं छोटा सा। मैं आपको कुछ 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 आ की आवाजें बताती रहूंगी, जैसे आम, एप्पल, आ या फिर ए। और जैसे ही आप ये आवाज सुनेंगे, आप क्या बोलेंगे? पकड़ लिया। तो लेट्स आई नो आपने मुझे एन एंड पे ही पकड़ लिया, क्योंकि मैं ए ए कर रही थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाले पे आप कितना जल्दी पकड़ते हैं मुझे। द एप्पल, ओके ओके, द एप्पल इज रेड। एक्सीलेंट। एलिस लव्स सूप्स एंड पेस्ट्रीज। एलिस लव्स सूप्स एंड पेस्ट्रीज। पकड़ पाए क्या? एलिस, वेरी गुड। माई आर्म इज स्ट्रॉन्ग। अपना आर्म ऊपर करिए और बोलिए, माई आर्म इज स्ट्रॉन्ग। प्लीज आस्क मी अ क्वेश्चन, प्लीज आस्क मी अ क्वेश्चन। कैन यू आंसर मी प्लीज, कैन यू आंसर मी प्लीज। कितने बच्चों ने पकड़ लिया? बोला आंसर। एक्सीलेंट बच्चों। और हमारा लास्ट वाला है, एड अ लिटिल सॉल्ट टू माय डिश। एड अ लिटिल सॉल्ट टू माय डिश, वेरी गुड। तो हमने किया आ। आगे बढ़ना है आपको? चलिए बढ़ते हैं, कुछ नया सीखते हैं। आपको पता है कि इंग्लिश में जैसे मैं बोलती हूँ आपको लेट्स प्ले, उसको जर्मन में बोलते हैं स्पीलन, और चाइनीज में बोलते हैं वान। तो हर एक भाषा के, हर एक लैंग्वेज के अपने अलग अलग साउंड्स होते हैं। इनफैक्ट इंग्लिश में आपको पता है कितने साउंड्स होते हैं? कोई गैस करेगा? मैं आपको थ्री चॉइसेस देती हूँ। 9,699, 40,544, और या फिर खाली 44। किसने 44 बोला? किसने 44 बोला? सही जवाब। इंग्लिश में 44 साउंड्स होते हैं, और आज हम कुछ साउंड्स लर्न कर रहे हैं ताकि हम एक दूसरे से बात कर सकें। नहीं तो सोचिए, आप अपने घर में बैठे हैं और आपको साउंड भी नहीं आ रहा, तो आप बात कैसे करेंगे? खैर एनीवे, चलिए लेट्स प्ले वन। हमारा नेक्स्ट साउंड है ई, ई या ए, ई या ए। अब जैसे कि लड़का मैप की तरफ देख रहा है, इमेजिन इमेजिन कर रहा है कि मैं कहाँ कहाँ घूमने जाऊंगा। ठीक है, सो व्हाई डोंट वी वन। इंडिया इज द नेम ऑफ अ कंट्री। पकड़ लिया, इंडिया पे ही पकड़ लिया। इस वाले में, नेक्स्ट वाले में थोड़े बहुत ज्यादा ही ई ई ई हैं, आप मुझे बताइएगा। अ बिग बियर इज ए न कैनेडा। अ बिग बेयर इज ए न कैनेडा, वेरी गुड। बिग बेयर को आपने पकड़ लिया। इस और इन को भी पकड़ सकते थे, पर जब तक बिग बेयर को पकड़ लिया कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज एन इंक पॉट। इट इज एन इंक पॉट। तो इसमें तीन ई है, ई इज एन इंक का ई। अब थोड़ा सा ज्योग्राफी लेस। इटली इज इन यूरोप। नहीं, ये इडली नहीं है, ये इडली नहीं है, इटली। इटली इज इन यूरोप। तो ई ई ई इटली इज इन यूरोप। द एस्किमो लिव्स इन एन इग्लू। आप अपना मुंह ज्यादा ज्यादा खोल रहे हो ना, बहुत जरूरी है। थोड़े मुंह की एक्सरसाइज भी ना, ऐसे जैसे मुंह कोई च्युइंगम चबा रहा है या डांस कर रहा है। ठीक है, चलिए फिर से डांस करते हैं इस वाले सेंटेंस पे।
डब्स किया आपके माउथ में, एक्सीलेंट, और आपने पकड़ लिया, बोला कि नहीं, वेरी गुड वेरी गुड, एनर्जी बनाए रखें, आगे बढ़ते हैं। इम्प्रेस मी भाई, मैं तो आपसे वैसे ही बहुत इंप्रेस्ड हूं। और अब हमारा इंपॉर्टेंट मैसेज, इफ इट इज इंपॉर्टेंट इट इज टू बी डन। एक्सीलेंट बच्चों, ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया, मतलब यू गाइस आर ब्रिलियंट। अब हम अपने पे चलते हैं, और वो क्या है, ऑरेंज। सब लोग जरा बड़ा सा ओ बना के दिखाएंगे मुझे क्या, ओ ओ ओ। अब हम आगे चलते हैं, और इसमें, अरे ये आप है क्या जो घूम रहे हैं इधर से उधर, ओह नो, तो ऑक्स इज रनिंग भाई, कोई पकड़ो, द ऑक्स इज रनिंग, ओ नो, द ऑक्स इज रनिंग भाई, पकड़ लिया तो बोलना ही पड़ेगा इस बार, नहीं तो ऑक्स तो बहुत नुकसान कर सकता है। जब कई बार आप अपने मम्मी पापा को परेशान कर रहे होते हैं, तो मम्मी पापा क्या बोलते हैं, भाई जाके जरा खेल लो, ऑफ यू गो एंड प्ले नाउ, ऑफ यू गो एंड प्ले नाउ। दिस ओल्ड मैन इज हैप्पी, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, यस पकड़ लिया। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं हम कर पाते हैं कि नहीं, इसमें काफी सारे ओ हैं, डू नो ओगल एट द केक, ओगल मतलब एकदम ऐसे आंखें बिना झपके, विदाउट ब्लिंकिंग लुकिंग एट द केक इज ओगलिंग, डू नॉट ओगल एट द केक। ऑक्टोपस एंड ऑटर आर टू फैसिनेटिंग एनिमल्स, अगर आपको पता नहीं है कि ऑक्टोपस और ऑटर क्या होते हैं, तो जाकर जरूर आज फाइंड आउट करने की कोशिश करिएगा। ऑक्टोपस एंड ऑटर आर टू फैसिनेटिंग एनिमल्स, एंड आई होप आपने उन एनिमल्स को पकड़ लिया। द पॉटर makes pots, the potter makes pots। अरे ये अंडे कहां से आ गए भाई, अच्छा ये अंडे काफी काफी enthusiastic हैं, क्योंकि इनको एनर्जी चाहिए ताकि हम साउंड ए कर सकें। start, the egg is oval in shape, egg is oval in shape, extra care is taken here, the engine of the car is not working। फिर से करते हैं एक बार, the egg is oval in shape, पकड़ लिया, extra care is taken here, yes the engine of the car is not working, the empty glass is to be filled, empty मतलब glass में कुछ है नहीं, हो सकता है खाली हवा हो। Please enter from this gate. Please enter from this gate. आप अपने घर में कहां से एंटर करते होंगे, या तो मेन डोर से या गेट से। Please enter from this gate. Please exit from that gate. Please exit from that gate. आप कभी भी कहीं से भी शैतानी करके जब भागते हैं, तो ये एग्जिट बड़ी काम आती है, और तब आपको बोलना होता है पकड़ लिया। Do not make enemies, make friends। तो दोस्तों अभी तक तो आपने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, हमने काफी सारे लेटर्स कर लिए हैं, और हमारा एक ही लेटर बाकी है। अब आप सोचेंगे मैंने आ ई ओ ए ये सारे लेटर्स आपसे क्यों कराए हैं, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट लेटर्स होते हैं इंग्लिश की, इंग्लिश की मात्राएं होती हैं, जैसे हिंदी में मात्राएं होती हैं, इंग्लिश के साउंड्स होते हैं, और ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके बिना वर्ड्स बन ही नहीं सकते। आप सोचिए अगर बी और सी एक साथ बैठे हुए हैं, अब वो वेट कर रहे हैं भाई ए कब आएगा, ई कब आएगा, आ ए ई ओ कब आएंगे, ताकि हम वर्ड्स बना सकें, नहीं तो बना ही नहीं पाएंगे। तो हमारा एक और वॉल बाकी है, और वो कौन सा है, बारिश हो रही है क्या, जल्दी से अम्ब्रेला निकाल लीजिए और अपने सिर के अप पे लगा लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट, लेट अस जंप, अप अप अप, पकड़ लिया। इफ यू लाई, अगर आप झूठ बोलते हैं, यू लुक अग्ली, प्लीज
प्लीज, अब ये थोड़ा नया शब्द है, प्लीज अनटाई दिस नॉट, इस नॉट को, इस गांठ को खोल दीजिए. अंडरस्टैंड मी, ये तो आपके मम्मी पापा कई बार आपसे पूछते होंगे, डू यू अंडरस्टैंड मी. अंडरस्टैंड मी, पुट द बोल. अब भाई इंग्लिश थोड़ी फनी लैंग्वेज है, पट द बोल नहीं बोलते हैं, पुट द बोल बोलते हैं. तो अ या उ, पुट द बोल. इसीलिए आपका प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि कब अ होता है कब उ होता है. पुट द बोल. एन एक्सीलेंट पटर, एंड एक्सीलेंट, एन एक्सीलेंट पटर. पटर बेसिकली एक टर्म है जो गोल्फ का एक गेम होता है, उसके संग जुड़ा होता है. अगर आपको और जानना है तो आप गोल्फ के बारे में अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हैं. आई सॉ एन ब्लू अम्ब्रेला. यस यू डिड. सो दोस्तों, अगर आपने पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया चिल्लाया है हर शाम पर, तो भाई आप एक बहुत बड़ा राउंड ऑफ अप्लॉज डिजर्व करते हैं, और मैं आपको खिताब देती हूं एक बहुत ही अमेजिंग साउंड ट्रैकर का. तो आज का गेम यही खत्म होता है. गुड जॉब, एंड मेरी तरफ से डिंच डिंच एक अच्छा डांस हो जाए. सो एंजॉय, हैव फन, एंड एंजॉय दिस कूल लॉकडाउन पीरियड.